उज्जैन शहर के व्यस्ततम क्षेत्र फ्रीगंज में भारत रत्न और भारत के गौरव डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धा सुमन अर्पित कर याद किया गया। शहरवासियों ने और स्वयंसेवी संगठन के पदाधिकारियों ने बड़ी संख्या में शहरवासी स्वयंसेवी संगठन पहुंचे और प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की और राष्ट्रहित में किए गए कामों को याद किया, साथ ही बाबा साहब को याद किया गया। एक मिनट बाइट कर लें। बताइए आज किस प्रकार से कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे और किस प्रकार से क्या रहेगा? 26 नवंबर 2020 से 26 जनवरी 2021 तक भारत के संविधान की जो उद्देश्य का है, जो उसके मूल मंत्र हैं, जो उसकी नीतियाँ हैं, जो उसके कानून हैं, उनकी भावनाओं को लेकर मध्य प्रदेश सजाग जिला उज्जैन 26 नवंबर 2020 से 26 जनवरी 2021 तक संविधान शपथ विधि और बाबा साहब को पुष्पांजलि का अभियान चला रहा है। उसमें सभी सामाजिक संगठनों से विनती हमने की है, सभी सामाजिक संगठन हमारे साथ मिलकर, हम उनके साथ मिलकर एक दूसरे के सहयोग से हम इस अभियान को चला रहे हैं। भारत के संविधान के मिशन को हम आगे बढ़ा रहे हैं और संविधान की रक्षा के लिए हम सब लोग एकजुट होकर इस पावन पर्व को मनाया जाए। आज दिवस पर हमने बताइए किस प्रकार से कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे और किस प्रकार से क्या रहेगा? आज बाबा साहब का 64वां परिनिर्वाण दिवस के अवसर पर पूरे मध्य प्रदेश अजाक्स में पुष्पांजलि अर्पित कार्यक्रम और संगोष्ठी का आयोजन मध्य प्रदेश के सभी जिलों में, तहसीलों में, ब्लॉक में आयोजित करने के लिए हमारे प्रांतीय अध्यक्ष माननीय जयंत अनुसूया साहब और प्रांतीय प्रशासन माननीय एसएल सुरेंद्र साहब ने निर्देश जारी किए हैं। और हमारा नैतिक दायित्व भी है कि हम जो पढ़ा लिखा समाज है, जो प्रेरित सोसाइटी के अंतर्गत हमने जो आज जो जिस पोजीशन में खड़े हैं, सब बाबा साहब की वजह से है। और हमारे जो अनपढ़ और गांव में और जो पीछे छोड़ा है हमारे समाज को, हमें उनका हर स्तर पर सहयोग और साथ देना चाहिए। अंबेडकर अमर रहे। वॉइस ऑफ राइट्स व्यू नंबर 15। वॉइस ऑफ राइट्स के लिए उज्जैन से वीरेंद्र शर्मा की रिपोर्ट।